हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। मनमोहन आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोजन ऑफ 1:1। फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो फाइनल अकाउंट में पेज नंबर 86 पर, जिससे आप लोगों को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले तो ये देख लो हमें कौन से अकाउंट्स ड्रॉप करने होंगे। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप लास्ट में देखोगे ना, तो यहाँ करंट अकाउंट अवेलेबल है। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप लोगों को ये 5 अकाउंट ड्रॉ करने हैं। चलो अब कैलकुलेशन में चलते हैं सीधा। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कैपिटल ड्रॉइंग, तो कैपिटल तो हम कहाँ पे लिखनी है, कैपिटल लिखनी है बैलेंस शीट में, क्योंकि करंट अकाउंट हो तो आप लोगों को कैपिटल तो सीधी लिख लेनी है बैलेंस शीट पे। आप लोग बुक सामने रखना, इसीलिए मैं आपको कदाच वीडियो में बुक दिखाई ना दे, सिर्फ सॉल्यूशन ही दिखाई देगा। चलो कैपिटल लिख लिया, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो। ड्रॉइंग कहाँ पे लिखना है, करंट अकाउंट में लिख लो ड्रॉइंग 3000 एंड 4500। यहाँ सिर्फ अमाउंट दिख रही है आपको, 3000 4500 आप लोगों ने अमाउंट लिख दी, ड्रॉइंग्स अमाउंट, बराबर ड्रॉइंग्स। अब क्या करना है, करंट अकाउंट में बैलेंस भी लिख लो। सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट में मन के लिए डेबिट बैलेंस है, तो मन के अकाउंट में डेबिट साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मोहन के लिए क्रेडिट बैलेंस है, तो वो क्रेडिट साइड 12000। चलो सिर्फ कैपिटल बैलेंस लिखी, ड्रॉइंग बैलेंस लिखी और करंट अकाउंट की बैलेंस हम लोगों ने लिख ली है। अब क्या करना है, अब एडजस्टमेंट देखते जाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। तो ध्यान रखना है कभी भी हायर वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की जो भी बैलेंस है वो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, और उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखने होंगी, यस ट्रेडिंग अकाउंट 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट खत्म। सेकेंड, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% ऑन मशीनरी इन बिल्डिंग। तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था मशीनरीज की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखो, अगर परचेज हो तो परचेज अमाउंट ऐड करनी, सेल्स हो तो सेल्स अमाउंट लेस करनी है, एंड अगर आपने ओल्ड डेप्रीशिएशन काउंट किया हो तो उसे भी आपको ऐड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर लिया है परचेज, कितना 40,000 का, क्योंकि क्वेश्चन में अवेलेबल है परचेज ऑफ एडिशनल मशीनरी, परचेज ऑफ ऑफिस मशीन 1416, तो 150 में 40 प्लस कर लिया, इसका मतलब 1,90,000, इसका 10% के हिसाब से 19,000 माइनस कर लो तो 1,71,000। यस, डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर लिखेंगे। बिल्डिंग क्वेश्चन में अवेलेबल था 2,50,000, उसका 10% 25,000 माइनस कर लो तो 2,25,000, दोनों का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलो एडजस्टमेंट फर्स्ट सेकंड के बाद, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, वो है एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 5। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 50% अमाउंट will be received as per instruction of his receiver, तो 50% amount मिल जाएगी, इसका मतलब आपको 50% मिलने वाला नहीं है। Then provide 5% bad debt reserve। Debtors में एक और adjustment affected है, वो है adjustment number 5, goods of rupees 2000 missed out to record in sales return book, goods of rupees 2000 missed out to record, अब गुड्स सेल्स रिटर्न है वो लिखना ही रह गई है, तो सेल्स रिटर्न का क्या करना है, एक सेल्स में से माइनस करना है और एक इफेक्ट आप लोग माइनस करेंगे डेटर्स में से। यस, तो डेफिनेटली पहले यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिख लिया 1,20,000, सेल्स रिटर्न लिखा और अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न को भी माइनस किया, तो आउटसाइड अमाउंट मिल गई 1,02,000। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है, ये है 2000, ये है क्या एडजस्टमेंट नंबर 5 की इफेक्ट, तो एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे हम, डेटर्स में, तो डेटर्स में 25,000 में से 2000 माइनस, इसका मतलब आपके 23,000 के डेटर्स है, एडजस्टमेंट नंबर 5 हम लिख,
अब एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या लिखा है, डेटर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इस 23,000 में से 10,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन उसके पास से 50% अमाउंट मिलेगी, तो बट ऑब्वियस 50% नहीं मिलने वाली है, वो है बैड डेट। तो अब रिमेनिंग बैलेंस हो गया आपकी 18,000। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है बैड डेट रिजर्व कितनी अमाउंट पे काउंट करेंगे। नॉर्मली 18,000 पे काउंट करने जाते हैं तो वो मिस्टेक कर जाते हैं, 23,000 के डेटर्स में से 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट पे आप लोग बैड डेट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग 13,000 पर ही आप लोगों को काउंट करना है 5%। 13,000 का 5% 650 आउटसाइड अमाउंट लिख सकते हो। चलो आप लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ डेटर्स में से रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न में माइनस कर लिया, इसकी सेकंड इफेक्ट तो हम लोगों ने सेल्स में से माइनस कर ली। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व इसकी सेकंड इफेक्ट लिखनी होगी, ये एडजस्टमेंट वाला ट्रांजेक्शन है इसीलिए, तो इसकी इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा फॉर्मेट क्रिएट करना होगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा फॉर्मेट, बैड डेट ट्रायल बैलेंस उसमें प्लस कर लिया, बैड डेट एडजस्टमेंट 5,000, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट टोटल कर लिया 5,650। अब ट्रायल बैलेंस में ना ही तो बैड डेट है ना ही तो बैड डेट रिजर्व है, तो आप पूरी अमाउंट को आउटसाइड लिख लेते हो। तो ये एडजस्टमेंट नंबर थर्ड और फाइव कंप्लीट। अब आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर फोर एक ही काउंट करना है, उसके बाद नॉर्मल इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फोर्थ एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे 10% इंटरेस्ट काउंट करना है। देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस में देखने जाओगे तो लास्ट में से फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की तो क्लियर 20,700 डेबिट बैलेंस, लेकिन बैंक की जो क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब ये है बैंक ओवरड्राफ्ट, और उस पर 10% इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उस एडजस्टमेंट नंबर फोर में लिखा है, तो हमने लिख लिया यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी होती है, सेकेंड इफेक्ट लिखनी होती है यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग। तो सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट पहले से देखते जाओ। पहले हम लोगों ने कैपिटल ड्रॉइंग लिख दिया, उसके बाद परचेज सेल्स, तो परचेज लिख लिया 80,000, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस जो ये लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न, तो माइनस करके आउटसाइड 66,000 सेल्स भी लिख लिया है। चलो परचेज सेल्स के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 7,000। कैरिज आउटवर्ड हो तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, कैरिज इनवर्ड होता तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो उसके बाद मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी लिख लिया, उसके बाद बिल्डिंग भी लिख लिया, ऑफिस सैलरी 15,000, गुड्स रिटर्न भी लिख लिया है, वेट चार्जेस, तो वेट चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद लोन ऑफ मन, लोन ऑफ मन पार्टनर्स लोन, तो पहले तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड, अगर पार्टनर्स लोन में इंटरेस्ट के बारे में क्लेरिफाइड ना हो तो आपको कितना इंटरेस्ट काउंट करना होता है, 6% काउंट करना होता है। चलो 10,000 का 6% काउंट करो, 10,000 का 6% काउंट करो लोन ऑफ मन, तो वो अमाउंट रहेगी 600। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में लास्ट में से थर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 400, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 400 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ 200 का, इसी तरह टोटल अमाउंट हो जाएगी 600। तो इस आउटस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को सेकंड इफेक्ट लिखनी है, आउटस्टैंडिंग की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, यस बैलेंस शीट में ही, तो यह लिख लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मन, लोन ऑफ मन। चलो तो फिर से ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, ऑफिस सैलरी, कस्टमर, सप्लायर लिख लिया, यस तो क्रेडिटर्स भी कितने हैं आपके सप्लायर के साथ 35,000, उसके बाद गुड्स रिटर्न लिख दिया, वेट चार्जेस लिख लिया, लोन ऑफ मंथ लिख लिया, उसके बाद है कस्टम ड्यूटी, यस तो कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लिखना है, यस कस्टम ड्यूटी लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद गुड स्टॉक ऑन 1/4/16 यानी कि ओपनिंग स्टॉक,
ट्रेडिंग एक्सपेंसेस लिखा है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद वेजेस, तो वेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल हो तो वो डायरेक्टली बैलेंस शीट पे ही लिखना होगा, तो बैलेंस शीट पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2600। चलो उसके बाद कमीशन पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीपेड ऐसा जो ट्रायल बैलेंस में हो तो उसकी सिंगल इफेक्ट ही रहती है, तो कमीशन पेड इन एडवांस डेबिट बैलेंस यानी आपको लिखना होगा एसेट साइड पे। उसके बाद बैंक बैलेंस कैश बैलेंस लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख लिया, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यह लिख लिया है इन्वेस्टमेंट 30,000 का। अब इन्वेस्टमेंट में 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो आप इंटरेस्ट काउंट कर लो कितनी अमाउंट रहेगी, 30,000 का 8% यानी कि 2400 क्लियर है 8% ऑन 30,000, तो 8 × 3 = 24,400 इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है तो उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी होगी आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो करंट अकाउंट के बैलेंस पे लिख ली, इन शॉर्ट कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, सिर्फ टोटल करना है। पहले टोटल क्या करेंगे हम, यस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल, सेम टोटल लिखना है हमें डेबिट साइड पे। अब जो डिफरेंस आया, डिफरेंस को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद हमें टोटल करना होगा, लेकिन इस बार प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। सेम डेबिट साइड का टोटल आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे। अब डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे, और ये क्रेडिट साइड पे जब भी डिफरेंस हो तो उसे बोला जाता है लॉस, तो नेट लॉस लिखेंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएट डेबिट साइड पे नेट लॉस। नेट लॉस वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, और क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिविजिबल लॉस 1:1 प्रोपोर्शन कन्वर्ट कर लिया तो 800 इसे डिवाइड किया 400 में। डिविजिबल लॉस एक क्रेडिट इफेक्ट हुई है, तो सेकंड डेबिट इफेक्ट यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोगों ने डेबिट साइड लिख लिया। चलो अब करंट अकाउंट का टोटल, करंट अकाउंट में अब देखोगे तो मन का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो वही टोटल हमने लिखा क्रेडिट साइड पे। जो डिफरेंस आया उसकी सेकेंड इफेक्ट आप लोगों को लिखनी है बैलेंस शीट में। एक क्रेडिट साइड पे इफेक्ट है तो सेकेंड डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में हम लोगों ने लिखा करंट अकाउंट ऑफ मन 11,400। अगर मोहन के लिए देखते हो तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम टोटल यहाँ पे लिखा डिफरेंस अमाउंट काउंट की, उसके सामने लिखा बैलेंस कैरिड डाउन, तो उसकी सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड। चलो देख सकते हो बैलेंस शीट में सारे राइट हम लोगों ने टिक मार्क कर लिए हैं, बस तो टोटल कर लो, दोनों साइड इक्वल टोटल ही आना चाहिए। और टोटल करने के बाद याद रखो ऊपर एक लाइन नीचे टू लाइंस, बराबर ऊपर वन लाइन करनी है नीचे दो लाइन ड्रॉ करनी है, इससे आप फाइनल टोटल हो गया वैसा इंडिकेट कर सकते हो हर एक में। थैंक यू।